कैसे हैं आप? आज हम सहरी के लिए बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च, चिकन, ठीक है, और आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने तरीके से। तो आइए आप रहिए मेरे साथ। ये प्याज हमने दो अदद काट लिए हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, और चिकन को भी मैंने अच्छे से वॉश होकर खुशक करने रख दिया है, और शिमला मिर्च भी देखो मैंने भिगोए दिए हैं, धोकर अच्छे से वॉश कर लिए हैं, तो मैंने भिगोने पानी में ही रखा हुआ है। ये चिकन खुश्क हो रहा है, इधर हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम आगे का प्रोसीजर शेयर करेंगे आपके साथ। ये बहुत ईजी तरीका है सहरी के लिए खुश्क सा और ग्रेवी वाला सालन बनाने के लिए, क्योंकि आप ये देखें सहरी और जो होता है रमज़ान में डिनर का टाइम, डिनर में तो बहुत कम खाया जाता है। अगर आप अफ्तार अच्छे कर लेते हैं, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, या अफ्तार में पकोड़े वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा लोग कर लेते हैं, तो फिर खाने की तरफ वो कम ही आते हैं। तो सहरी में फिर अच्छे से कुछ खाने को दिल करता है पराठों के साथ, तो उसके लिए रेसिपी बहुत बेस्ट है। तो जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह फॉलो करें, और मज़ेदार सा चिकन और शिमला मिर्च सहरी के लिए तैयार। ये प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे जो हमने धोकर अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। ये जो चिकन है अच्छे से प्याज के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। ये हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट, अपने मसाले भी ऐड कर लेंगे। मसालों में हम डालेंगे इसमें किसी भी सूख मिर्च, हसबे जायका नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और एक चम्मच कुटी मिर्च। हमारे खुश्क मसाले भी इसमें ऐड हो गए, और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार, और बस जब आप बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा कोई। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, सब मसाले डल गए हैं, थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, और इसकी अच्छी से बनाई कर सकें। इसमें चिकन भी गल जाएगा, तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको खूब अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। हम थोड़ी देर ढक देंगे,
5 मिनट के लिए। ये हम इसको देखें जनाब, फाइनली लुक जो हमारे चिकन की है वो किस तरीके से माशाल्लाह से भुन गया है और सारे मसाले यकजान हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपनी जो शिमला मिर्च हमने वॉश करके रखी हुई है वो ऐड कर लेंगे। एक किलो चिकन में तकरीबन आधा किलो के करीब हमारी शिमला मिर्च है। शायद साहब कहते हैं कि टेस्ट के लिए सब्ज़ी वगैरह डाला करें तो बहुत ज़्यादा ना बना लिया करें, तो इस वजह से हम फैमिली के हिसाब से ही सब्ज़ी वगैरह चिकन में या गोश्त में जब भी बनाते हैं तो उस हिसाब से। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है कि आपका चिकन बिल्कुल नहीं टूटे और अच्छे से ग्रेवी में मसाले में हमारी शिमला मिर्च शामिल हो जाए। वैसे अब हम आपको ये भी बताऊंगा कि शिमला मिर्च बहुत जल्द और स्टीम भी कर लें तो ये बड़े अच्छे से गल जाती हैं, तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 7-8 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो इसे अब हम ढाम देते हैं और 7-8 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि ये गल गई है या नहीं, वो आप चेक कर लेते हैं। 7-8 मिनट हो गए हैं, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें किस तरह शिमला मिर्च और चिकन पकते ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखें वाह, कितनी इजी और कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी चिकन और शिमला मिर्च। देखें इसे और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घरों में मेरी बनाई हुई रेसिपी ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे और मुझे कमेंट्स में आके बताएंगे कि आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना, और कुछ और अगर आपका दिल चाहता है कि मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।